हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेटवाई ट्यूटोरियल्स में। पिछले क्लास में हमने किया था रेजिस्टिविटी, आज हम करने वाले हैं रेजिस्टिविटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और न्यूमेरिकल है अ कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज 2 एम्पियर करेंट व्हेन ग्लोइंग। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब? Will the resistance be more, same or less when the bulb is glowing? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कार का बल्ब है जो कि एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले लिस्टिंग कर लेंगे क्या क्या गिवन है। हमारे पास V गिवन है 12 वोल्ट, draws 2 एम्पियर करेंट, 2 एम्पियर करेंट वो ड्रॉ करता है, हमारे पास करेंट गिवन है। तो वाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, हमको आर निकालना है। फॉर्मूला हमें याद है, वी इक्वल टू आई आर, यहां से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू वी बाई आई। इसको पुट कर देते हैं हम यहां पे, तो आर जो है, वी हमारे पास है 12 और हमारे पास आई है 2, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि जब बल्ब नहीं जल रहा है तो उस टाइम रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा या कम होगा? जब बल्ब नहीं जल रहा है उस टाइम रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, बराबर होगा या कम होगा? किससे? जब बल्ब जल रहा है उससे। तो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब बल्ब नहीं जल रहा है तो कहने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर अभी क्या है, लो है। और जब बल्ब जलने लगा तो उस टाइम पे बल्ब का फिलामेंट का टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन है जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उस टाइम रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस विल बी लेस कंपेयर टू व्हेन द बल्ब इज ग्लोइंग। क्लियर है? मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब बल्ब नहीं जल रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कंपेयर टू जब जल रहा है उसके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेंड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, वो गिवन है, वोल्टेज और करंट गिवन है हमको। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ड्रॉ द वीआई ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर, फाइंड करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75 एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हमारे पास वी और आई गिवन है और हमको यहाँ पे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालना होगा, लेकिन किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से। तो उसके लिए हमको सबसे पहले वी आई ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम वी आई ग्राफ अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा
y जो एक्सिस है वो v है और x एक्सिस जो है वो i है। तो हमारे पास ये जो है वो ज़ीरो, ये 0.5, ये 1.0, ये 1.5, ये 2.0 और ये 2.5। आप हमारे पास करंट क्या है, करंट ज़ीरो है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे ड्रॉ वी आई ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वी आई ग्राफ से हमको याद है, अगर आपको याद होगा तो आर जो होता है वो डेल वी बाई डेल आई होता है, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाई चेंज इन करेंट। और हमको पता है कि उस इस समय ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो स्लोप होगा वो ग्राफ का वो थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो अभी हम देख लेते हैं, मैंने उस दिन सिखाया था आपको पिछले लेक्चर में अपने, जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे, कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली जो है वो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। स्लोप क्या देता है हमें? रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ की मदद से निकालना है तो हम ग्राफ की मदद से ही निकालेंगे। चलिए, मैंने कहा मान लो कि मैं ये दो पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे और इसको नाम दे दिया P, ठीक है। और इसको नाम दे दिया Q। Y से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब हमें X से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए था। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ इस पी को, तो ये जो पॉइंट है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2.5। अब एकदम से सही हो जाएगा ये। देखिए, एक्स पे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया। तो ये जो रीज़न है वो क्या है? ये आपका है डेल वी, क्योंकि ये जो एक्सिस है हमको क्या बता रहा है, ये एक्सिस पोटेंशियल पोटेंशियल का है ये, और ये एक्सिस जो है वो करंट का है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो गैप है वो मुझे क्या बताएगा, डेल आई। तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। रेजिस्टेंस कहता है डेल वी, मतलब यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ के बीच का डिफरेंस है 0.5 और यहाँ का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का डिफरेंस होगा 0.2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू 5/2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5। ये आ गया रेजिस्टेंस, आ गया 2.5। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो सबका वैल्यू कितना आना चाहिए, 2.5। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं,
आर जो है वो होता है वी बाई आई, वी हमारे पास है 5/2 जो वहाँ पे था, तो आंसर मेरा आ गया 2.5। अगर मैं इस केस को लेके चलता हूँ तो वी मेरे पास है 1 और आई मेरे पास है 0.4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये भी क्या देगा 2.5, इस केस में भी 2.5 और इस केस में भी 2.5, मतलब कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो थ्रू आउट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ये ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जब ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है। आप यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हर कंडीशन में हर वैल्यू हर पर्टिकुलर वैल्यू पे जो ये वैल्यू रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन आई इज 0.5 एम्पियर। पहले हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं था, अब हमारे पास रेजिस्टेंस मिल गया 2.5 और रेजिस्टेंस थ्रू आउट सेम है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वी निकालना है। वी मुझे पता नहीं है, करेंट हमारे पास गिवन है 0.5 एम्पियर, आर हमें मिल गया है 2.5, तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो आप यहां से लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, करेंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75। अब हमें क्या निकालना है, I निकालना है, आई क्या होगा, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है जो कि है 0.75, हमारे पास आर गिवन है जो कि है 2.5। तो आप यहां से निकाल सकते हैं वही सेम फॉर्मूला, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर इक्वल टू, वी हमारे पास है 0.75, आर हमारे पास है 2.5। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको करेंट का आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही उसे कैलकुलेट कर रखा हुआ है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, रेजिस्टेंस होगा 2.5। जैसा कि मैंने कहा था, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2.5। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, आप रेजिस्टेंस का वैल्यू कहीं भी निकालिएगा वो सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो देख लीजिए कैसे होगा, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ, मैं इस क्यू पॉइंट को इरेज कर देता हूँ और मैं पी को पी ही रहने देता हूँ, तो क्या होगा ये देखिएगा। अब इसके बाद मैं मान लो कि इस पॉइंट को ले लेता हूँ 1 को, तो मैं 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, और 1 के टाइम पे करंट कितना है 0.4, तो मान के चलो कि वो अब उसका जो एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, तो वो होता है चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट। तो अब मैं देखूंगा यहाँ से और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से और इसको, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1.5, तो डेल वी का वैल्यू क्या आ गया, 1.5। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल आई का वैल्यू हो जाएगा 0.6। अब आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तो रेजिस्टेंस हमारे पास डेल वी है 1.5 और डेल आई है 0.6, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे 15/6, ये हो जाएगा 2.5 ओम। तो आप रेजिस्टेंस कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो गया, पहला पीडी वहाँ से निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा करंट हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप करंट निकाल लीजिए, और तीसरा रेजिस्टेंस आपने वहाँ से निकाल लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई आर1 एंड आर2 रेस्पेक्टिवली,
कंपेयर देयर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर वन कंपेयर देयर रेजिस्टेंस एंड क्वेश्चन नंबर टू है देयर रेजिस्टिविटी। हमारे पास गिवन क्या है, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल है मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। लेंथ भी क्या है, लेंथ भी आपका सेम है दोनों का, और दोनों का रेडियस है, रेडियस जो है एक का है R1, एक मटेरियल एक कंडक्टर का, और दूसरे का क्या है R2 है, R1 एंड R2। तो हमें उनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। फॉर्मूला याद होगा आपको, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले R1 निकालेंगे, पहले मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, तो पहले मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चूंकि मटेरियल तो सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेंथ हमारे पास भी सेम है तो लेंथ भी क्या रहेगा सेम, एरिया हमारे पास यहाँ पे रेडियस का वैल्यू R1 है तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, ये हो गया पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस, पाई R1 इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई पाई R1 स्क्वायर। दूसरे का अगर दूसरे केस की बात करें तो जब चूंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा और लेंथ भी सेम है तो एल तो एल ही रह जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कंपेयर करना, कंपेयर करने का मतलब कि हम यहाँ पे रेशियो निकाल देते हैं, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे हमारे पास आर टू का वैल्यू ये रहा तो हम लिख देते हैं आर वन बाई आर टू क्या आ रहा है, तो आर वन बाई आर टू में रो एल बाई पाई आर वन स्क्वायर पाई रो एल बाई पाई आर टू स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, रो एल बाई पाई आर वन स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर बाई रो एल, रो से रो एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका जो रेशियो है रेजिस्टेंस का आर वन बाई आर टू वो आ जाएगा आर टू का स्क्वायर बाई आर वन का स्क्वायर, ये रहा पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, व्हाट इज कंपेयर करना है हमको इसके रेजिस्टिविटी को, तो चूंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा सेम होगा, जब रेजिस्टिविटी सेम है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का जो रेशियो है वो हो जाएगा वन इज टू वन का रेशियो, दोनों सेम है ना, जब सेम है तो रेशियो भी क्या है वन इज टू वन, अगर रेजिस्टिविटी अलग अलग होता तो यहाँ पे, अगर मटेरियल अलग होता तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी अलग हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कहा हुआ है, बोला हुआ है कि मटेरियल क्या है कंडक्टर का सेम है और लेंथ भी सेम है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा वन इज टू वन हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर होगा वन इज टू वन और पहले का आंसर होगा आर टू का स्क्वायर बाई आर वन का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास तीन फिगर है जो कि गिवन है, एक का एरिया, पहले का एरिया ए है और लेंथ एल है, दूसरे का लेंथ थ्री टाइम्स बढ़ गया और एरिया थ्री टाइम्स डिक्रीज कर गया, अगले में लेंथ थ्री टाइम्स डिक्रीज कर गया और एरिया जो है वो थ्री टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन में क्या है कि मटेरियल सेम है तो सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी देख लेते हैं हम, मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि जो रेजिस्टिविटी है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो जितना रेजिस्टिविटी इस मटेरियल का होगा उतना ही इसका भी होगा और उतना ही इसका भी होगा, लेकिन रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहला फिगर, फिगर नंबर वन, फिगर नंबर टू और फिगर नंबर थ्री, इसको नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले
इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रो एल बाई ए। तो यहां से अगर मैं इसको मान लूं ये फिगर नंबर वन है, तो आर वन क्या हो जाएगा हमारे पास, रो एल तो एल है और ए भी ए रह जाएगा। तो ये रहा पहले का रेजिस्टेंस, पहले का निकल गया। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसका मैं आर टू नाम दे देता हूं और वहां पे रो लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ थ्री टाइम्स इंक्रीज कर गया है, थ्री एल, और एरिया जो है वो थ्री टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो एरिया क्या हो जाएगा ए बाई थ्री। तो यहाँ से आर टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर टू का वैल्यू आ जाएगा नाइन रो एल बाई ए। अब यहाँ से देखिएगा आर वन का वैल्यू कितना था, रो एल बाई ए, मैं यहाँ पर कैपिटल लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर टू इक्वल टू नाइन आर वन। क्यों लिखा, क्योंकि आर वन का वैल्यू हमारे पास क्या था, रो एल बाई ए, और यहाँ पे देखिए रो एल बाई ए, तो इस पूरे टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, आर वन से। अगर तीसरे फिगर की बात करें तो तीसरे के लिए क्या होगा, आर थ्री इक्वल टू रो फिर से एल बाई ए। तो हमारे पास एल कितना है, एल जो है वो है एल बाई थ्री, और जो आपका एरिया है वो हो गया है 3a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r3, r3 जो हो जाएगा रो l बाई नाइन ए। तो हमारे पास r3 क्या हो जाएगा, r3 हो जाएगा आपका 1 बाई नाइन रो l बाई ए। तो हम लिख सकते हैं r3 इक्वल टू 1 बाई नाइन आर वन, चीज क्लियर है ये चीज। चलिए आर वन का कैलकुलेट हो गया रो एल बाई ए, आर वन हो गया, आर टू हो गया नाइन आर वन, और आर थ्री हो गया वन बाई नाइन आर वन। तो अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका दिख रहा है हमें, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो आर टू का दिख रहा है, और उसके बाद है R1 का, और उसके बाद फिर R3 का। हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है कि जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस और एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका, उसके बाद इसका, और उसके बाद R3 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं R2 सबसे बड़ा, उसके बाद R1, और उसके बाद फिर R3। ये आपका हो गया आंसर। और रेजिस्टिविटी आपको पता ही है, रेजिस्टिविटी पहले फिगर का बराबर रेजिस्टिविटी दूसरे का बराबर रेजिस्टिविटी तीसरे का। क्यों, क्योंकि तीनों का मटेरियल क्या है, सेम है, और रेजिस्टिविटी कभी भी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप डायमेंशन बदलते भी हैं तो उसका असर रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने किए आज सॉल्व। अगले क्लास में हम करेंगे रजिस्टर और उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।